हेलो गाइस, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में जूस पीना हमारी सेहत के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो बिना किसी देरी के आज का ये कलरफुल जूस बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 2 किलो गाजर को मैंने अच्छे से छीलते हुए वॉश किया है और अच्छे से मौसम्मी को भी वॉश कर लिया है। और सबसे पहले चाशनी बनाने के लिए पैन में 1 ग्लास पानी गर्म करें और इसके साथ ही 1 कप चीनी डालें। चीनी को अच्छे से पानी में मेल्ट करें और कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से उबाल आने दें। 5 मिनट बाद चाशनी अच्छे से पक चुकी है, गैस ऑफ करें और चाशनी को अलग बर्तन में निकालें। चाशनी को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। मौसम्मी का बाहरी छिलका मैंने हटा दिया है, इसके 2 भाग कट करते हुए इसके अंदर वाले बीज भी बाहर निकालेंगे। मौसम्मी को मैंने 2 भागों में कट करते हुए इसके बीज निकालने शुरू कर दिए हैं। बीज निकालने से हमारा मौसम्मी का जूस कड़वा नहीं बनेगा। सारे बीज मैंने अलग निकाल दिए हैं। जूस बनाने के लिए सबसे पहले जूसर में गाजर डालें। गाजर का जूस निकालने के बाद ही आप लास्ट में मौसम्मी का जूस बनाना शुरू करें ताकि हमारा मौसम्मी का जूस जल्दी से कड़वा ना हो। जूस को बनाने के लिए आप थोड़ा सा तेजी से काम करें ताकि जूस का टेस्ट बरकरार रहे। सो गाइस, गाजर और मौसम्मी का जूस अच्छे से बन चुका है। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए काला नमक और काली मिर्च अच्छे से मिलाएं और इस मसाले को अच्छे से मिक्स करते हुए जूस को सर्व करें। बच्चों के लिए कलरफुल जूस बनाने के लिए आप इसमें फूड कलर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिंक डार्क कलर लिया है और एक येलो डार्क कलर लिया है। इस तरीके से 3 कलर का जूस हमारा बनकर रेडी है। आई होप आपको आज की जूस की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही साथ देते रहें। धन्यवाद।